दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैसे गैजेट की, जो कि लेटेस्ट तो है ही, साथ ही में बहुत ही शानदार और कमाल का है। जी हाँ, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 8.5 इंच एलसीडी राइटिंग टेबलेट की। ये राइटिंग टेबलेट उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा चौक यूज करते हो, जो कि नर्सरी में हो, या फिर उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि रफ के लिए बहुत ज़्यादा पेपर पेन का यूज़ करते हो, क्योंकि यार जमाना तो पेपर लेस हो रहा है, इसलिए आपको भी कुछ डिजिटल बनना पड़ेगा। तो यार चीज़ बहुत सॉलिड है आपके लिए। यदि बात करें इसके प्राइस की, तो आपको सिर्फ मिलने वाला है 150 रुपीज़ में। मतलब क्या 150 रुपये में आपको क्या ही मिल सकता है, पूरे प्राइस की इन्होंने बैंड बजा रखी। मतलब क्या 150 रुपये में आपको क्या ही मिल सकता है। एक्चुअल प्राइस इसका 250 है, बट आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है। मैंने इसे मीशो से मंगाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ऑर्डर कैसे करना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, और क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग, लेकिन उसके पहले शॉर्ट इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग। इस तरह की बॉक्स पैकिंग के साथ आपको ये एलसीडी राइटिंग टेबलेट देखने को मिल जाता है, और जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकिंग दिख रही है वो मीशो की तरफ से दी हुई थी। अब इसका क्या करना है वो आप लोग देख लीजिए, इसे रखते हैं भी साइड में। बात करते हैं इस वाले बॉक्स के फ्रंट साइड की, तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में लिखा हुआ है 8.5 इंच एलसीडी राइटिंग टेबलेट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नो पेपर नो चॉक। मतलब कि अब आपको ना पेपर की जरूरत पड़ने वाली है ना चॉक की, और साथ ही में ये राइटिंग टेबलेट आपके किन किन काम आने वाला यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पेंटिंग, ग्राफिटी, प्रैक्टिस, कैलकुलस। मतलब कि आप यहाँ पे सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब आपको ना पेपर की जरूरत पड़ने वाली ना पेन की, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, बाकी आप सब पढ़ लीजिएगा आराम से घर में बैठ के। अब बात करते हैं इस वाले बॉक्स के बैक साइड की। तो गाइस इस वाले बॉक्स के बैक साइड में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वार्निंग लिखी हुई है, हाउ टू यूज लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स के अंदर जो राइटिंग टेबलेट देखने को मिलने वाला है उसका यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, और साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ कलर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग पेपर अप टू 1 लाख। मतलब कि यार आप यहाँ पे काफी सारे पेपर की अपनी बचत करने वाले हैं। चलिए यहाँ से इस वाले राइटिंग टेबलेट को इस वाले बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। आपको इस वाले बॉक्स के अंदर सिर्फ ये राइटिंग टेबलेट देखने को मिलता है, बाकी आपको कोई और एसेसरीज देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए इस वाले पैकिंग को भी यहाँ से हटा लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार लुक आपको इस वाले एलसीडी राइटिंग टेबलेट का देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इसके वेट की, तो यार काफी लाइट वेट है और इसका लुक तो काफी शानदार लग रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो गाइस आपको इस वाले राइटिंग टेबलेट में यहाँ पे एक पेन देखने को मिल जाती है, जैसे आप बैक साइड से पुश करेंगे हल्का सा तो ये पेन बाहर निकल जाती है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। अभी इसका यूज कैसे करना है आप लोगों को अभी तक तो समझ आ ही गया होगा, बस आपको इस वाली पेन से यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक। इस प्रकार से यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब यदि आपको इस वाले जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसे मिटाना है, उसे इरेज करना है, तो क्या करना होगा, बस आपको इस वाली बटन को प्रेस करना है। जैसे आप इस वाली बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आसानी से इरेज हो जाता है। मतलब कि यार यहाँ पे आप जब चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, और जब चाहे यहाँ पे आप इरेज कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अलग से फील नहीं आने वाली। मतलब कि नॉर्मली जो आप अपनी नोट्स में या फिर पेपर के ऊपर लिखते हैं अपनी पेन से, बिल्कुल वैसी यहाँ पे फीलिंग आने वाली है, कुछ भी अलग से आपको फील नहीं होने वाला है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे इस वाले एलसीडी राइटिंग बोर्ड की लग रही है। और यार इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 150 रुपीज़ है। मतलब कि यार 150 रुपये में आपको क्या ही मिल सकता है, मैं ये आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो बात कुछ और होती। मतलब कि यार 150 रुपये के हिसाब से ठीक है। और इस वाले टेबलेट की एक खासियत ये है कि ये बिना बैटरी के चलता है, बट यहाँ पे एक बैटरी फिर भी लगाना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है वो सिर्फ इरेज करने के लिए। मतलब कि जब आप यहाँ से इस वाली बैटरी को निकाल भी देंगे तब भी आप यदि यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा, लेकिन जब आप इरेज करने जाएंगे, जब बैटरी निकली हुई होगी तो इरेज बटन काम नहीं करेगी। मतलब कि सिर्फ इरेज के लिए सेल लगा हुआ है, बट ये बिना बैटरी के चलता है। और यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाती है लॉक और अनलॉक की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी अनलॉक है। यहाँ पे जैसे हम इसे लॉक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कुछ लिखेंगे, जब आप बटन को लॉक कर देंगे उसके बाद जब आप मिटाने जाएंगे, यहाँ पे इरेज करने जाएंगे, तो अभी यहाँ पे इरेज बटन काम नहीं कर रही है। मतलब कि आपका टेबलेट लॉक हो चुका है, यहाँ पे आप जब तक लिखना चाहें तब तक लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इरेज बटन को प्रेस भी करेंगे तो अभी आपकी बटन काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप इसे अनलॉक कर देंगे एंड देन इरेज बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जितना भी लिखा हुआ था सारा कुछ मिट जाता है, और कुछ इस तरह के मैथ भी बना सकते हैं। अब ये मैथ सही है या गलत आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा।
सो गाइस ये है वो LCD राइटिंग टेबलेट जिसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखी। यदि आपके घर पे भी बच्चे नर्सरी में हो या फिर आप किसी बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हो या फिर आप भी रफ में बहुत ज्यादा पेपर पेन का यूज करते हो तो यार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये LCD राइटिंग टेबलेट, क्योंकि आपको पेपर या फिर पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली जब आपके पास ये LCD राइटिंग टेबलेट होगा। ये आपको 150 रुपीज में मिल जाएगा मीशो पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप वहां से मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप मीशो एप्लीकेशन ओपन करेंगे देन आपको सर्च बार में इस वाले कोड को सर्च कर लेना होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप इस वाले कोड को सर्च कर लीजिए, आपको ये LCD राइटिंग टेबलेट शो कर देगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको ये राइटिंग टेबलेट मीशो एप्लीकेशन में आउट ऑफ स्टॉक दिखा या फिर शो ना करे तब आप क्या करिए, आप इस वाले LCD राइटिंग टेबलेट का सबसे पहले आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आप जैसे ही मीशो एप्लीकेशन ओपन करेंगे देन आप सर्च पे क्लिक करेंगे देन आपको वहां पे कैमरे का सिंबल देखने को मिलेगा, आप उस पर टच कीजिए, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप वहां पे उस वाले राइटिंग टेबलेट पे टच कर दीजिए, मतलब कि उस वाले इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद आपके मीशो एप्लीकेशन में सारे के सारे LCD राइटिंग टेबलेट शो कर देगा, आप उसके बाद ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।